with the name of Allah Almighty, Hedda Gabler. Text. टेक्स्ट के पहले 10 पेज छोड़ दें या डबल 20 पेज छोड़ दें. टेज़मैन का डायलॉग. लाफ्स. पॉसिबली आई से हेडा दैट्स गुड. इसके बाद हेडा का डायलॉग, फिर मिस टेज़मैन का डायलॉग आएगा. मेरे पास पेज नंबर 102 है. This is lecturer M. K. Bhutta, 0333-465-305. Tasman laughs. बात हो रही थी कि हैडा रात को कैसे सोई है. ये सवाल पूछा था मिस टेज़मैन ने और हैडा ने कहा था एजुकेटली, पॉसिबली, अच्छे अंदाज में, ओके अंदाज में. टेज़मैन उस पर लाफ्स, हंसता है. पॉसिबली बस ठीक ठाक अच्छे अंदाज में गुजर गई, ओके गुजर गई. आई से हैडा दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा है. व्हेन आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, जब मैं बेड से बाहर निकला, यू वर स्लीपिंग लाइक अ टॉप, तुम पत्थर की तरह सोई हुई थी और तुम कहती हो बस ओके सोई हूँ. हैडा, हैडा जो अपने चेहरे मोरे में प्रियंका चोपड़ा की तरह है, इंडियन एक्टर प्रियंका चोपड़ा, सात खून माफ वाली प्रियंका चोपड़ा को जहन में रखेंगे, इंतहाई ग्रेसफुल एरिस्टोक्रेटिक. यस फॉर्चुनेटली वन हैज टू एक्सस्टम वन सेल्फ, एक आदमी को आदि होना पड़ता है, आदि करना पड़ता है अपने आप को टू एनीथिंग न्यू, किसी भी नई चीज से. मिस टेज़मैन इट टेक्स टाइम, वक्त तो लगता है आदि होने में. लुक्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर देखती है. ओ दैट मेड्स लेफ्ट द फ्रेंच विंडोज ओपन, ये मेड ने, नौकरानी ने ये फ्रेंच विंडो को खोल दिया. लेफ्ट साइड वाली, दिस रूम्स फ्लडेड विद सन, ये रूम तो रोशनी से, सूरज से, धूप से भर गया है. धूप उसे, रोशनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि रोशनी की जरूरत ही किसे है. ये नेगेटिव, ये पेसिमिस्टिक और कोल्ड पर्सनैलिटी को शो करती है. मिस टेज़मैन गोज टूवर्ड्स द विंडो. ओ लेट मी क्लोज देम, मुझे बंद करने दो. नो नो डोंट डू दैट, तुम ऐसा ना करो. टेज़मैन डेयर ड्रॉ द कर्टन्स, टेज़मैन खिड़की को खुला रहने दो, उस पर कर्टन डाल दो. दिस लाइट्स ब्लाइंडिंग मी, रोशनी मुझे अंधा किए जा रही है, तुम रोशनी को मध्यम कर दो कर्टन्स डाल के. टेज़मैन हवा चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए. टेज़मैन एट द विंडोज, यस यस देयर देयर हैडा, नाउ यू हैव गॉट शेड एंड फ्रेश एयर, अब तुम्हें कर्टन डालने से फ्रेश एयर भी मिलेगी और फिर साया भी मिलेगा. दिस रूम नीड्स फ्रेश एयर, इस रूम में फ्रेश एयर की ज़रूरत है. ऑल दीज फ्लावर्स, यहाँ पर छोटे छोटे जज्बों के फूल हैं. बट माई डेयर मिस टेज़मैन, लेकिन मोहतरमा मिस टेज़मैन, और वुडंट यू टेक अ सीट, क्या आप अभी तक बैठी नहीं. हैडा आंट जोजो को उसके नाम से नहीं पुकारती बल्कि मिस टेज़मैन कहती है. अगर नाम से पुकारेगी तो फिर वो फॉर्मल नहीं रहेंगे, इनफॉर्मल हो जाएंगे. वो तकल्लुफात कायम रखना चाहती हैं. मिस टेज़मैन नो रियली नॉट थैंक यू, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग यू नीड, मैं बस ये देखने आई थी क्या तुम्हारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं. आई मस्ट सी अबाउट गेटिंग बैक होम, मुझे आई मस्ट सी अबाउट, मैं देख रही हूँ रास्ता गेटिंग बैक होम, घर वापस जाने का. माई पुअर डेयर सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरी बेचारी बहन मेरा इंतज़ार कर रही होगी. बी श्योर टू गिव हर माई लव वुडंट यू, हाँ यकीनन आंट रीना को मेरा भी प्यार देना, क्या आप देंगी. टेल हर आई विल रन ओवर, उन्हें बताइएगा कि मैं ज़ोर से आऊँगा. एंड सी हर लेटर टुडे, और उसे बाद में आज देखूँगा, यानी कि मैं भी मिलने आ रहा हूँ. मिस टेज़मैन ओ यस
I'll tell her that मैं उसे बता दूंगी तुम्हारे प्यार देने का. Oh, George fumbles in the pocket of her skirt. अपनी बड़ी लॉन्ग कमीज की अंदर वो पॉकेट्स में fumbles कोई चीज़ ढूंढती है. I almost forgot, मैं तो भूल गई थी. I have brought something for you, मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाई हूँ. What's that, Auntie Jojo? What? देखा, टेजमैन क्योंकि उसके साथ फॉर्मल है और वो कहता है इनफॉर्मल है उसके साथ, बेतकल्लुफ है, और आंट जोजो के नाम से पुकारता है, क्या है वो चीज़ बताओ. व्हाट? मिस टेजमैन पुल्स आउट अ फ्लैट पैकेज, एक सीधा सा पैकेट निकालती है, रेप्ड इन न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के अंदर बंद है, पैक है, एंड गिव्स इट टू हिम, और उसे दे देती है. ओपन एंड सी डियर बॉय, खोलो और देखो इसमें क्या है तुम्हारे लिए तोहफा. ओपन द पैकेज, पैकेज खोलता है. गुड हेवंस आंटी जोजो, यू हैव केप्ट देम. आंटी जोजो तुमने मेरे जूते अभी भी संभाल के रखे हुए हैं. हेडा दिस इज रियली वेरी टचिंग. व्हाट? देखो हेडा कितनी दिलकश लग रहे हैं ये, क्या क्या कहती हो. आंट रीना ने टेजमैन के कोई बहुत पहले के शूज़ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है, एम्ब्रॉयडरी करके उसने उसको भेजा है. मिडिल क्लास की खुशियाँ. बाय द व्हाट नॉट्स, व्हाट नॉट्स कहते हैं वो स्टैंड जो शेल्फ के साथ ठहरा होता है छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए. व्हाट नॉट्स का मतलब स्टैंड, छोटी चीज़ें रखने के लिए. व्हाट नॉट्स के साथ ऑन द राइट राइट साइड पर. व्हाट इज इट टेजमैन, हेडा कहती है क्या है इसमें है टेजमैन. माई ओल्ड शूज, माई स्लीपर्स हेडा, हेडा ये मेरे स्लीपर्स है, और उसके मुंह की तरफ बढ़ाने लगता है. ओ देम, अच्छा तो वो जूते. आई रिमेंबर यू कैप्ट टॉकिंग अबाउट देम ऑन आवर हनीमून, मुझे याद है कि तुम हनीमून पर इन जूतों का जिक्र किया करते थे. हनीमून मनाने गए हैं इतना पैसा खर्च करके, और वहाँ पर बातचीत क्या चलती रही है. टेजमैन के बाद बात करने को ये है कि मेरे पुराने जूते हैं, तो पूरा हनीमून का व्यू आ गया कि पूरा हनीमून पुराने जूतों की तरह था. टेजमैन, यस आई मिस देम ड्रेडफुली, मुझे बहुत याद आ रहे थे ये जूते. गोज ओवर टू हर, हेयर हेडा टेक अ लुक, उसके मुंह की तरफ बढ़ाता है कि हेडा इसको देखो जरा. गोज अवे टूवर्ड्स द स्टोव, वो आग की तरफ चली जाती है, स्टोव की तरफ चली जाती है. थैंक्स आई वुडंट बोदर, मुझे इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे इनको देखने की ज़रूरत नहीं. टेजमैन फॉलो सर, उसके पीछे जाते हुए. फैंसी हेड, आंटी रीनाज एम्ब्रॉयडर्ड देम फॉर मी, आंटी रीना ने इनको मेरे लिए एम्ब्रॉयडरी करके भेजा है, इसके ऊपर नक्श निगारी करके भेजा है. डिस्पाइट हर बीइंग सो इल, उस वक्त जबकि वो बहुत बीमार थी. ओ यू कॉन्ट इमेजन व्हाट मेमोरीज दे हैव फॉर मी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती इन जूतों के साथ मेरी जुड़ी हुई कैसी कैसी यादें हैं. बाय द टेबल, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है ये, मेरी यादें तो नहीं हैं इसमें. नो हेडाज राइट देयर जॉर्ज, नहीं हेडा ठीक कह रही है जॉर्ज. यस बट आई थॉट सिंस शी इज वन ऑफ द फैमिली नाउ, मैंने सोचा कि अब तो ये हमारे फैमिली मेंबर है, हमारी खुशियों के साथ इसकी खुशियाँ होंगी. इंटरप्ट्स टेजमैन, वी रियली कांट गो ऑन कीपिंग दिस मेट, हम इस मेट के साथ नहीं गुजारा कर सकते, इस मेट को मजीद कीप नहीं कर सकते. मिस टेजमैन नॉट कीप बर्था, बर्था को अपने साथ नहीं रखना आपने. टेजमैन व्हाट मेक्स यू से दैट डियर, व्हाट प्यारी तुम क्या कह रही हो कि ऐसा. व्हाट मेक्स यू, ऐसा कहने में क्या रीजन है, मेक्स क्या रीजन है. व्हाट हेडा पॉइंट्स, लुक एट दैट, इस तरफ देखो. शी हैज लेफ्ट हर ओल्ड हैट लाइंग ऑन द चेयर, इसने अपना पुराना हैट यहाँ चेयर पर रख दिया है. हालांकि वो चेयर तो, वो हैट तो आंटी जोजो का है और उसका रखा गया है. उसने कहा ये गंदा सा हैट है जो कि मुलाजमा का है. अफार डर जाती है, ड्रॉप्स स्लीपर्स ऑन द फ्लोर, डर जाता है और अपने स्लीपर्स फ्लोर पर गिरा देता है. बट हेडा
हैडा, सपोज समवन केम इन एंड सॉ इट, फर्ज करो कोई घर में आ जाए और देखे तो क्या कहेगा, ये कैसे मैनर्स हैं। टेस्मैन, बट हैडा दैट्स आंट जोजोज हैट, ये आंटी जोजो का हैट है। ऊ, मिस टेस्मैन पिक्स अप द हैट, इनडीड इट्स माइन, दर हकीकत ये मेरा है, एंड इट डजंट हैपन टू बी ओल्ड, और ये पुराना भी नहीं है। हैडा डेयर, हैडा आई डिडेंट लुक एट इट वेरी क्लोजली, मिस टेस्मैन, मिस टेस्मैन मैंने करीब से इसे देखा नहीं कि ये तुम्हारा हैट है। ट्राइंग ऑन द हैट, हैट को पहनते हुए, मिस टेस्मैन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव वॉर्न इट, मैंने पहली बार ये हैट पहना है, इससे पहले ये हैट नहीं पहना गया, ये नया हैट है, पुराना नहीं। एज अ गुड लॉर्ड इज माई विटनेस, खुदा गवाह है इस बात का। टेस्मैन, इट्स वेरी प्रीटी टू, रियली स्मार्ट, हाँ ये बहुत खूबसूरत भी है और बहुत अच्छा है, कमाल है ये हैट। मिस टेस्मैन, ओह आई एम अफ्रेड इट्स नथिंग मच रियली, हाँ मुझे खौफ है ये नथिंग मच रियली, इतना अच्छा नहीं है। लुक्स राउंड, इर्द गिर्द देखती है, माई पैरासोल, मेरा छतरा, मेरी छतरी, आ देयर इट इज़, हाँ ये है, टेक्स इट, उसे ख्याल आ गया कि मैंने सोफे पर पैरासोल रख दिए, कहीं उस पर भी इतराज़ ना हो जाए, टेक्स इट, उठाती है, दिस इज़ माइन टू, ये भी मेरा है। मरमर्स, वो हल्की सी बुड़बड़ाती है, हल्की सी आवाज़ निकलती है, नॉट बर्जास, ये बर्था का नहीं है, ये भी मेरा है, थोड़ा सा माइंड कर गई है ना मिस टेस्मैन। टेस्मैन, अब टेस्मैन जो है वो थोड़ा एम्बेरस हो गया, परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। अ न्यू हैट एंड अ न्यू पैरासोल, नया हैट, नई छतरी, आई से हैडा फैंसीज इट, हैडा सोचो तो जरा, हैडा वेरी प्रिटी एंड चार्मिंग, हाँ ये तो खूबसूरत और दिलकश है। यस इट इज, इट इज इट नॉट, इज नॉट इट, हाँ क्या ये अच्छा नहीं है। बट आंटी जोजो, टेक अ गुड लुक एट हैडा बिफोर यू गो, लेकिन आंटी जोजो ज़रा अच्छे से देखना हैडा को जाने से पहले। इज नॉट शी प्रिटी एंड चार्मिंग, क्या हैडा खूबसूरत और दिलकश नहीं है। अब वो उनको हार्मोनाइज करना चाहता है। मिस टेस्मैन, डियर बॉय देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, हैडा के अंदर कोई चीज़ भी नई नहीं है, न्यू कोई चीज़ नहीं है, हैडाज बीन अ ब्यूटी एवर सिंस, हैडा खूबसूरती है और हमेशा हमेशा से है, द डे शी वॉज बॉर्न, उस दिन से जब से ये पैदा हुई है ये खूबसूरत है, नोड्स एंड गोज राइट, सर हिलाती है और राइट तरफ जाती है, राइट की तरफ जाती है। टेस्मैन फॉलोज हर, उसके पीछे जाता है। यस बट हैव यू नोटिस्ड हाउ स्ट्रांग एंड हेल्दी शी इज लुकिंग, लेकिन तुमने नोट किया कि हैडा कितनी हेल्दी और स्ट्रांग लग रही है, इशारा है उसकी प्रेगनेंसी की तरफ, एंड हाउ शी इज फिल्ड आउट, और किस तरह ये भर भर सी गई है, सिंस वी वेंट अवे, जब से हम हनीमून पर गए हैं तो ये प्रेग्नेंट हो गई है, फिल हो गई है, इसको भर दिया है मैंने, ये बात मिस टेस्मैन को खुश करती है, इसलिए वो कह रहा है। स्टॉप्स एंड टर्न्स, फिल्ड आउट, भर गई है ये। हैडा वॉक्स अक्रॉस अ रूम, रूम में चलना शुरू करती है, रेस्टलेसनेस की निशानी है। ओ कांट वी फॉरगेट इट, क्या हम इस बात को भूल नहीं सकते, मदरहुड को, प्रेगनेंसी को, बेबी को, शेकल्स को। टेस्मैन यस आंटी जोजो, यू कांट सी इट सो क्लियरली विद दैट ड्रेस ऑन, हाँ इस ड्रेस में आप इसे क्लियरली नहीं देख सकें, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, ये ड्रेस जरा खुला खुला है। बट आई हैव गॉट रीजन टू नो, लेकिन मेरे पास गुड रीजन, मेरे पास गुड रीजन है जानने की, मैं जानता हूँ कि ये भर गई है। हैडा बाय द फ्रेंच विंडोज इम्पेशेंटली, फ्रेंच विंडो के पास ठहरती है, बेचैन हो जाती है। यू हैवंट गुड रीजन टू नो एनीथिंग, तुम्हारे पास हर चीज़ को जानने की रीज़न नहीं है, तुम्हारे पास अक्ल सलीम नहीं है, हर चीज़ तुम नहीं जान सकते, औरत की दुनिया को तुम नहीं जान सकते, औरत के ग्रैंड को होने को, औरत की डिज़ायर्स को, प्लान्स को नहीं जान सकते। टेस्मैन
It must have been the mountain air up there in the Tyrol. Tyrol is the name of the province, जो कि एस्ट्रिया के अंदर है. एस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया शेंजन है, ये नॉर्वे वगैरह इसके साथ है. ट्रायल से, ट्रायल की माउंटेन से हवा आ रही है फ्रेंच विंडो से, खर्टली, सख्ती से. इंटरप्ट सिम, उसकी बात में दखल अंदाजी देती है. आई एम एग्जैक्टली द सेम एज व्हेन आई वेंट अवे, मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसी कि मैं थी जाने से पहले. इसका मतलब है शी रिफ्यूटेड हर प्रेगनेंसी, उसने अपनी प्रेगनेंसी को रिफ्यूज़ किया है कि शी इज़ नॉट. टेस्मैन, यू कीप ऑन सेइंग सो, तुम कहती रहो बट यू आर नॉट, लेकिन तुम वैसी नहीं हो. आई एम राइट आर नॉट आई आंटी जोजो, मैं ज़्यादा ठीक हूँ. आंटी जोजो, क्या मैं ठीक नहीं हूँ? कि ये थोड़ी मोटी हो गई है, फिल हो गई है. मिस टेस्मैन हैज़ फोल्डेड हर हैंड्स एंड इज़ गेजिंग एट हर, उसने अपने हाथों को बांध लिया है उंगलियों के अंदर, उंगलियां डाल के खुशी से, अमेजमेंट से, और हैडा पर गेज देखती है, गेजिंग गौर करती है. शी इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ये खूबसूरत है, खूबसूरत है. हैडा इज़ ब्यूटिफुल, हैडा बहुत खूबसूरत है. गोज़ ओवर टू हैडा, टेक्स हर हैड बिटवीन हर हैंड्स, और वो हैडा की तरफ जाती है, ड्रॉज इट डाउन एंड किसेस हर हेयर, वो हैडा के सर को अपने दोनों हाथों में पकड़ती है और उसके बालों पर उसे किस करती है. गॉड ब्लेस एंड कीप यू, खुदा तुम पर रहम करे, कीप यू और तुम्हें रखे, और तुम्हें रखे, रखेल तुम्हें रखे एक वाइफ, किसकी? टेस्मैन की. हैडा टेस्मैन, और तुम्हें रखे हैडा टेस्मैन, हैडा गाबलर नहीं. फॉर जॉर्ज सेक, और जॉर्ज के लिए, यानी कि उसको फिक्र जॉर्ज की है, जॉर्ज के लिए तुम्हें, तुम हमेशा हैडा टेस्मैन रहो, इसी की ही बनी रहो. हैडा फ्रीज हर्सेल्फ पोलाइटली, ऐसा से अपने आप को छुड़ाती है. ओ लेट मी गो प्लीज, मुझे जाने दो, मेहरबानी आपकी. नैरोटिक है, अजीबोगरीब थिंकिंग है उसकी. मिस टेस्मैन क्वाइटली इमोशनली, और वो ऐसा से जज्बाती सी. आई शेल कम एंड सी यू बोथ एवरी डे, मैं रोज़ाना आऊँगी तुम दोनों को देखने के लिए कि तुम किस तरह प्रेग्नेंट होती जाओगी, मोटी होती जाओगी. यस आंटी जोजो प्लीज़ डू व्हाट. हाँ आंटी जोजो, तुम शुक्रिया, लाजमी आना, और क्या. गुड बाय, गुड बाय. शी गोज़ आउट इन टू द हॉल, वो हॉल में चली जाती है. टेस्मैन फॉलोज हर, टेस्मैन उसके पीछे जाता है. द डोर रिमेन्स ओपन, दरवाज़ा खुला रहता है. टेस्मैन इज हेयर्ड, टेस्मैन की आवाज़ सुनाई देती है. सेंडिंग हिज लव टू आंट रीना, कि आंट रीना को मोहब्बत भेज रहा है. एंड थैंकिंग मिस टेस्मैन फॉर हिज स्लीपर्स, और मिस टेस्मैन का शुक्रिया अदा कर रहा है स्लीपर प्रोवाइड करने में. मीन वाइल हैडा वॉक्स अप एंड डाउन द रूम, उस वक्त हैडा बेचैनी के साथ ऊपर नीचे रूम के अंदर घूमती है, चलती है. रेजिंग हर आर्म्स, अपने आर्म्स को ऊपर उठाती है. क्लचेस, क्लिंचेस, क्लिंचिंग हर फिस्ट्स, अपनी मुट्ठियों को जोर से दबा लेती है. एज जो इन डिप्रेशन, जैसे वो डिप्रेशन में हो. क्यों? हैडा को ये बात बुरी लगी है कि उसको प्रेगनेंसी की बात की जाए. वो इससे उसकी शैकल्स वाली फीलिंग्स आती हैं कि उसे महकूम कर दिया जाएगा, शैकल्ड कर दिया जाएगा बेबी के पैदा होने से. शी इज़ नैरोटिक, नैरोटिक कहते हैं, वो नफसियाती है, नफसियाती मरीज़ है. रेस्टलेसनेस उसके अंदर है, और उसके ऊपर प्रेशर ऑफ नॉर्म्स है, प्रेशर ऑफ नेचर है. देन शी थ्रोज असाइड द कर्टन्स फ्रॉम द फ्रेंच विंडोज, फ्रेंच विंडोज से कर्टन हटा देती है. एंड स्टैंड्स देयर लुकिंग आउट, देखती है यहाँ से बाहर. क्या देख रही है यहाँ से बाहर? वो आज़ादी को देख रही है, खुली फिजा को देख रही है. आ फ्यू मोमेंट्स लेटर टेस्मैन रिटर्न्स, थोड़ी देर के बाद टेस्मैन वापस आता है. एंड क्लोजेस द डोर बिहाइंड हिम, और अपने पीछे डोर बंद कर देता है. टेस्मैन
picks up his slippers from the floor. Floor से अपने slippers उठाता है. What are you looking at, Hedda? Hedda, तुम क्या देख रही हो? Calm and controlled again. दोबारा पुरसकून और controlled हो जाती है. जब हम कहते हैं कि Hedda नफसियाती है, neurotic है, उसका मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट है टोटल. उसका मतलब ये है कि उसके जहन के अंदर अपनी ज़ात के लिए कुछ बड़े बड़े ख्याल हैं जो उसको सोसाइटी के सामने नफसियाती पेश करते हैं. सोसाइटी की नज़र में वो नफसियाती नज़र आती है, दर हकीकत वो नहीं, बल्कि वो तो स्ट्रगल कर रही है अपनी डिज़ायर्स और अपनी शैकल्स ना होने के लिए. Only the leaves, मैं पत्ते देख रही हूँ. They are so golden and withered. ये golden हैं, पीले रंग के हैं और withered मुरझा गए हैं. Hedda की आँख में nature जो है वो ugly है क्योंकि उसकी soul withered है, उसकी soul yellow है. बाहर की चीज़ें उसके inner को सब symbolize करती हैं. Tasman rips up the slippers and lays them on the table. Slipper को दोबारा अखबार में लपेटता है, टेबल पर रखता है. Well, we are in September, no? हाँ, हम सितंबर में हैं ना, इसलिए सितंबर खिजा है. Restless again, बेचैन होकर कहती है. Yes, we are already into September. हाँ, हम तो मुसलसल पहले से ही खिजा में हैं. हमें तो बाहर आई नहीं, हमारी डिज़ायर्स तो हैं नहीं, हमें तो आज़ादी मिली नहीं. Tasman, Aunt Jojo was behaving rather oddly. Aunt Jojo थोड़ी सी अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रही थी. I thought, मुझे लगता है. Didn't you? क्या तुम्हें नहीं लगता? Almost as though she was in church or something. ऐसे लग रहा था जैसे वो चर्च में या किसी खानकाह में कि इबादत के लिए ठहरी हुई हो, दुआएं दे रही थी. I wonder what came over her. मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं उसके ऊपर क्या चीज़ गालिब आ जाती है. एनी आइडिया, तुम क्या कहती हो? आई हार्डली नो हर, मैं मुश्किल से उसे जानती हूँ, यानी कि Hedda उसके साथ बेतकल्लुफ़ नहीं है, मैं नहीं जानती. डज शी ऑफन एक्ट लाइक दैट, क्या वो अक्सर इस तरह बेहूदगियाँ करती है? नो टू द एक्सटेंट, नहीं अक्सर नहीं करती. शी डिड टुडे, बस आज वो अजीबोगरीब हरकत कर रही थी, हालांकि वो कर नहीं रही थी, बस Hedda को हार्मोनाइज करने के लिए ये बातें की जा रही हैं. Tasman उसे कूल करना चाहता है. गोज़ अवे फ्रॉम द फ्रेंच विंडोज, फ्रेंच विंडोज से दूर चले जाते हैं, चली जाती है. डू यू थिंक शी वॉज हर्ट बाई वॉट आई सेड अबाउट द हैट, तुम सोचते हो कि वो उसे बुरा लगा इस बात का जो मैंने हैट के बारे में कहा कि ये नुकरानी का है? Oh, I didn't think so. मैं ऐसा नहीं सोचता. A little at first, perhaps. शुरू शुरू में उसे बुरा लगा था, ताहम. But what a thing to do. लेकिन ये क्या manners हुए? Throw her head down in someone's drawing room. किसी के drawing room के अंदर अपने head को फेंक देना. People don't do such things. लोग ऐसा नहीं करते. लोग ऐसा नहीं करते. People don't do such things. लोग ऐसा नहीं करते. Tasman, I'm sure Auntie Jojo doesn't do it very often. मुझे यकीन है Auntie Jojo अक्सर ऐसा नहीं करती. Oh well, I'll make it up with her. मैं उसके साथ अपने आप को मैनेज कर लूँगी. I'll make it up. मैं गुजारा कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं अपने आप को समूद कर लूँगी. वे दर उसके साथ, मैं उसके साथ गुजारा कर लूँगी. ओ Hedda, वुड यू? ओ Hedda, अच्छा तुम उसके साथ मैनेज कर लोगी? Hedda, वेन यू सी देम, जब तुम आंट रीना और जोजो को देखने के लिए, मिलने के लिए उनके घर जाओ दिस आफ्टरनून, इनवाइट हर. आंटी जोजो को इनवाइट करना टू कम आउट हेयर दिस इवनिंग, कि वो शाम को हमारे घर वापस आए. पहले बेइज्जती कर ली फिर बुला लिया, अरिस्टोक्रेटिक मूड है. पहले चंड मार दी फिर गले लगा दिया, अरिस्टोक्रेटिक मूड है. अथॉरिटी कायम रहती है. Tasman, यू बेट आई विल, मैं यकीनन ऐसा करूँगा, उन्हें इनवाइट करूँगा. आई से देयर इज अनदर थिंग विच वुड प्लीज हर एनॉर्मसली, मैं
एक और चीज़ तुम्हें बताऊंगा जो चीज़ तुम्हें इनॉर्मसली बहुत ज़्यादा प्लीज खुश कर देगी। ओह अच्छा, इफ यू कुड ब्रिंग योर सेल्फ टू कॉल हर आंटी जोजो, अगर तुम मेहरबानी करके उसे आंटी जोजो बुलाओ, उससे बेतकल्लुफ हो जाओ, इनफॉर्मल हो जाओ। फरमाइश से एक मेरे लिए हैडा वुड हैडा, क्या तुम ऐसा करोगी? ओ नो रियली टेजमिन, यू मस्ट नॉट आस्क मी टू डू दैट। ओ नहीं, मैं नहीं कर सकती टेजमिन, मुझे तुम ये करने के लिए मत कहो। आई हैव टोल्ड यू सो वंस बिफोर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, आई विल ट्राई टू कॉल हर आंट जुलिनिया, मैं उसे आंट जुलिनिया ही कहूँगी। दैट्स एज फार एज आई विल गो, बस मैं इतना आगे जा सकती हूँ, मैं इतना बेतकल्लुफ हो सकती हूँ कि उसे बस इस नाम से पुकार लूँ। ओ ऑल राइट, आई वॉज ओनली थिंकिंग, मैं बस सोच रहा था। नाउ दैट यू बिलोंग टू द फैमिली, मैं सोच रहा था अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो आखिर। आई रियली डोंट नो, हाँ हकीकत में मैं नहीं जानती। शी क्रॉसेज द रूम टू द डोर वे, वो डोर वे की तरफ जाती है, पर्सनल रूम की तरफ जाती है, गैलरी से गुजरती हुई, तो फिर वो पर्सनल हो जाती है। इसका मतलब ये है, सिम्बलाइज कर रही है ये बात, जब भी वो डोरवे या पर्सनल रूम में जाती है तो वो पर्सनल फीलिंग में चली जाती है, पर्सनल हो जाती है। टेजमैन, आफ्टर अ मोमेंट आई से हैडा, इज एनीथिंग रॉन्ग वुड, मैं कह रहा हूँ हैडा कोई चीज़ गलत तो नहीं क्या? आई एम जस्ट लुकिंग एट माई ओल्ड पियानो, मैं अपने ओल्ड पियानो को देख रही हूँ बस। इट डजेंट रियली गो विद ऑल दिस, ये ओल्ड पियानो नहीं चल सकता बाकी चीज़ों के साथ, बाकी चीज़ों के साथ ये ओल्ड पियानो गुजारा नहीं कर रहा। पियानो इज़ अगेन द सिंबल ऑफ द पर्सनल फीलिंग्स, क्योंकि पियानो के अंदर जो रिदम है, जो मूड्स हैं, जो नोट्स हैं बजाए जाते हैं, वो म्यूज़िक जो है पर्सनल है, और हैडा की पर्सनल फीलिंग्स फिट नहीं है बाकी तो तमाम लोगों के साथ। यहाँ पर शी इज़ गोइंग पर्सनल जब वो पियानो की बात करती है। टेजमैन, एज सुन एज आई स्टार्ट गेटिंग माई सैलरी वी विल सी अबाउट चेंजिंग इट, जब मैं अपनी सैलरी लूँगा तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे इस पियानो को। नो नो डोंट, लेट्स चेंज इट, नहीं नहीं इसे चेंज नहीं करना। आई डोंट वॉन्ट टू पॉट विद इट, मैं इन फीलिंग से, इस पियानो से, इस म्यूज़िक से, इस दिल की रिदम से, इस जहन से अलग नहीं होना चाहती। वी कैन मूव इट इन टू दैट लिटल रूम, हम इस पियानो को लिटिल रूम में ले जाएंगे, पर्सनल रूम में ले जाएंगे, मेरी पर्सनल फीलिंग्स को पर्सनल रखेंगे, एंड गेट अनदर वॉन्ट टू पुट इन हेयर, और नया पियानो रख देंगे बाहर इस बड़े रूम में, ड्राइंग रूम में। अ लिटल डाउन कास्ट, थोड़ा सा नीचे देखते हैं। येस वी माइट डू दैट, हाँ हम ऐसा कर लेंगे। हैडा पिक्स अप द बंच ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द पियानो, पियानो से फ्लावर्स का बंच उठाती है, पौधों का एक, फूलों का एक गुलदस्ता उठाती है पियानो के ऊपर जो रखा गया है। किसने रखा था? बर्था ने रखा था। दीज फ्लावर्स वर नॉट हेयर व्हेन वी अराइव्ड लास्ट नाइट, जब हम लास्ट नाइट आए थे तो पियानो के ऊपर ये गुलदस्ता नहीं था, ये कहाँ से आया? आई एक्सपेक्ट आंटी जोजो ब्रॉट देम, मेरे ख्याल में आंटी जोजो लाई है ये फूल। हैडा हेयर्स अ कार्ड, यहाँ पर एक कार्ड रखा हुआ है, विजिटिंग कार्ड। टेक्स इट आउट एंड रीड्स, उसे उठाती है, पढ़ती है। वेलकम बैक लेटर टूडे, मैं आज दिन में फिर आऊँगी। गेस हु इट्स फ्रॉम, टेजमैन गेस करो ये कार्ड किसकी तरफ से है। नो आइडिया, हु व्हाट, कोई आइडिया नहीं, कौन क्या? इट सेज मिसेस एल्स्टेड, ये कार्ड है मिसेस एल्स्टेड की तरफ से, मिसेस एल्स्टेड की तरफ से। मिसेस एल्स्टेड का बैकग्राउंड ये है कि मिसेस एल्स्टेड हैडा की क्लास फेलो भी रह चुकी है, मिसेस एल्स्टेड टेजमैन की पुरानी महबूबा भी रह चुकी है। मिसेस एल्स्टेड इस वक्त एक दूसरे राइटर लोबो की इस वक्त पार्टनर है, उसकी पक्की दोस्त है। नो रियली, नहीं क्या वाकई? मिसेस एल्स्टेड
एल्स्टेड की बीवी, शी यूज टू बी मिस राइसिंग, डिडेंट शी, वो तो मिस राइसिंग हुआ करती थी, क्या नहीं होती थी, यानी कि ये पहले तो मिस राइसिंग, अब मिस राइसिंग याद क्यों कर अटैचमेंट, क्योंकि उसको मिसेस एल्स्टेड के अंदर वही लड़की नज़र आ रही है जो उससे मोहब्बत किया करती थी या जिसका उससे अफेयर था, इसलिए वो उसका मिसेस एल्स्टेड नाम लेना गवारा नहीं हो रहा उसे, वो रिमाइंड कर रहा है कि ये तो राइसिंग थी। यस शी वॉज वन विद दैट इरीटेटिंग हेयर, हाँ ये वही है जिसके इरीटेटिंग हेयर हैं, जिसके बाल मुझे इरीटेट करते थे, क्योंकि एल्स्टेड के, मिसेस एल्स्टेड के घने बाल थे। शी वॉज ऑलवेज शोइंग ऑफ, अक्सर वो बाल दिखाती रहती, उसके बाल बिखरे होते बाल। आई हेयर शी यूज टू बी एन ओल्ड फ्लेम ऑफ योर्स, मैंने सुना है कि वो तुम्हारा पुराना, तुम्हारी पुरानी दिलदार थी, तुम्हारी पुराना शोला था वो, तुम्हारा, तुम्हारी पुरानी शम्मा थी, तुम उसके परवाने थे कभी, वो तुम्हारी शम्मा थी, लास्ट दैट डिडंट लास्ट लॉन्ग, ये ज़्यादा देर तक नहीं चला था, एनी ए दैट वाज बिफोर आई गॉट टू नो यू, हैडा हैडा, ये तुमसे मिलने के पहले की बातें हैं, इस बात को छोड़ो, भाई जो खुदा की कसम, फैंसी हर बीइंग इन टाउन, ओ खुदाया सोचो तो, वो इस टाउन में है, वो तो इस टाउन से बाहर थी, इस टाउन में क्या करने आ गए, हमारे टाउन में है। स्ट्रेंज शी शुड कॉल, हैरत की बात है, शी शुड कॉल, उसे आना चाहिए था, आई ओनली न्यू हर एट स्कूल, मैं तो बस उसे स्कूल में जानती थी। अब आपको मिसेज एल्स्टेड का क्लियर हो गया कि स्कूल में वो क्लास फेलो थी, क्लास फेलो नहीं थी बल्कि स्कूल फेलो थी, वो हैडा से क्योंकि 2-3 साल छोटी है एल्स्टेड, वो जूनियर क्लास में थी, ये दूसरी बड़ी क्लास में थी, और वो उस लड़की का दूसरा रिलेशन टेजमैन के साथ है कि उसके साथ उसका अफेयर चला था टेजमैन। यस आई हैवंट सीन हर फॉर, हाँ मैंने उसे नहीं देखा फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ओ हैवन नोज हाउ लॉन्ग, खुदा जानता है कितना लंबा अरसा गुजर गया है, उसे भी याद आ गया। आई डोंट नो हाउ शी मैनेज टू स्टिक इट आउट अप, मैं थोड़ा सा, मैं नहीं जानता, पता नहीं बेचारी ने कैसे ज़िंदगी का गुजारा किया होगा, देर इन द नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ में, यानी कि ये टाउन का नॉर्थ पार्ट है, शुमाली हिस्सा है, वट क्या ख्याल है, पता नहीं वो इस टाउन के इस हिस्से में आ तो गई है तो रह कहाँ रही होगी बेचारी। थिंक्स फॉर अ मोमेंट देन से सडनली, थोड़ी देर सोचती है फिर अचानक कहती है, टेल मी टेजमैन डजंट ही लिव समवेयर अप इन दोज पार्ट्स, टेजमैन मुझे बताओ क्या वो कौन, लेवबोग, आइलर्ट लेवबोग जो राइटर है, क्या लवबोग लिव समवेयर, क्या अब क्या वो भी रहता है यहीं कहीं इन दोज पार्ट्स, इसी शुमाली इलाके में टाउन के, अगर मिस एल्स्टेड यहाँ इस हिस्से में है तो इसका मतलब ये निकला कि लवबोग भी यहीं कहीं होगा, यू नो आइलर्ट लवबोग, आइलर्ट ई जी जे, जे को साइलेंट कर आइलर्ट कहना है, आइलर्ट जे साइलेंट, आइलर्ट लोव बोग, आर को साइलेंट करना है बोग के, लोव बोग, लोव बोग, आइलर्ट लोव बोग, मेरे साथ कहें आइलर्ट लोव बोग, आइलर्ट लोव बोग, आइलर्ट लोव बोग, गुड, ये राइटर है, कंपिटेटर है किसका, टेस्टमैन का, पुराना दिलदार है किसका, हैडा का। एंगल देखे कैसे हैं, टेजमैन और हैडा, वाइफ एंड हस्बैंड, आइलर्ट लोबोग, हैडा का पुराना दिलदार, एल्स्टेड टेजमैन की पुरानी दिलदार। बर्सा एंटर्स फ्रॉम द हॉल, हॉल से बर्सा आती है, बर्सा शी इज हेयर अगेन मैडम, वो वापस फिर दोबारा आ गई हैं मैडम, द लेडी हु केम एंड लेफ्ट द फ्लावर्स, वो लेडी जो आई थी जिसने फूल यहाँ छोड़े थे, पॉइंट्स इशारा करती है
द वंस यू आर होल्डिंग, ये फूल जो आपने उठाए हुए हैं। ओ इज शी, अच्छा क्या आ गई, वेल शो हर इन, उसे अंदर ले आओ। बर्था ओपन द डोर फॉर मिसेज एल्स्टेड एंड गोज आउट, मिसेज एल्स्टेड के लिए दरवाज़ा खोलती है और चली जाती है। मिसेज एल्स्टेड इज अ डेलिकेटली बिल्ट वैमेन, मिसेज एल्स्टेड सोनम कपूर की तरह छोटे नाक वाली एक डेलिकेटली बिल्ट वैमेन है, बड़ी नाजुक मिजाज से बनी हुई औरत है। विद जेंटल, वो बहुत ही सादा है, जेंटल है, पोलाइट है। अट्रैक्टिव फीचर्स, उसकी अट्रैक्टिव और सादा जेंटल फीचर्स है, खदोखाल हैं। हर आइज आर लाइट ब्लू, उसकी आंखें लाइट ब्लू हैं, लार्ज बड़ी बड़ी आंखें हैं। एंड समवट प्रोमिनेंट, उसकी आंखें प्रोमिनेंट हैं, खुली खुली हैं, ओपन रहती हैं, जिनसे उसकी सादगी, उसकी मासूमियत, उसकी शौक का अंदाज़ा होता है। विद अ फ्राइटेंड क्वेश्चनिंग एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पर हमेशा खौफ के और खौफ में मुब्तला सवालों के तासर आता है, हर वक्त जैसे वो सवाल करने के अंदाज़ में रहती हो, जैसे कोई मासूम हिरनी जैसी लड़की होती है, आंखें खुली होती हैं, हर वक्त कोई ना कोई सवाल पूछना चाहती है, सादा लव होती है जैसे कोई। हर हेयर इज़ एक्सट्रीमली फेयर, उसके बाल एक्सट्रीमली फेयर, बहुत ज़्यादा साफ और लंबे हैं। आलमोस्ट फ्लैक्सन, तकरीबन पेल ग्रेश येलो हैं, ग्रे भी रंग है उसमें, येलो भी रंग है। एंड इज़ एक्सेप्शनली वेवी, उसके बाल बहुत बेहद वेवी हैं, लंबे हैं, नीचे तक हैं। एंड अबंडेंट, और बहुत ज़्यादा हैं बाल, जो हैं सिंबल हैं फर्टिलिटी का। हैडा के बाल अबंडेंट नहीं हैं, शॉर्ट हैं, तो उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, इस औरत के अंदर फर्टिलिटी है। बालों को देखते हैं, बाल घने हैं, लंबे हैं, वेवी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो ये फर्टिलिटी की निशानी है औरत की। शी इज़ 2 or 3 years younger than Hedda, वो हैडा से 2-3 साल छोटी है। शी इज़ वेयरिंग अ डॉग विजिटिंग ड्रेस, उसने डॉग विजिट करने वाला ड्रेस पहना हुआ है। इन गुड टेस्ट, अच्छा ड्रेस पहना है, बट नॉट क्वाइट इन द लेटेस्ट फैशन, लेकिन ज़रा पुरानी तर्ज का है, जदीद तर्ज का नहीं है उसका ड्रेस। हैडा गोज खर्डली, खर्डली दिली तौर पर टू ग्रीट हर, दिली तौर पर उसे मिलने के लिए, सलाम दुआ करने के लिए आगे बढ़ती है। डेयर मिसेज एल्स्टेड, गुड मॉर्निंग, हाउ डिलाइटफुल टू सी यू अगेन आफ्टर ऑल दिस टाइम, लंबे अरसे के बाद तुम्हें दोबारा देखना कितना खुशगवार है। मिसेज एल्स्टेड नर्वसली, वो नर्वस है, परेशान है, ट्राइंग टू कंट्रोल हरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करते हुए। यस इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी मेट, हाँ कई साल गुजर गए हैं हमें मिले हुए। एंड सिंस वी मेट वॉट, और हमसे मिले हुए क्या ख्याल है, यानी कि मुझसे मिले हुए, वी को उसने स्लैश मूड में दिया है। हैडा थैंक यू फॉर योर लवली फ्लावर्स, फूलों का बहुत शुक्रिया। मिसेज एल्स्टेड I wanted to come yesterday afternoon. मैं कल afternoon में आना चाहती थी, कल गुजरे हुए कल afternoon में आना चाहती थी, but they told me you were away. लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग यहाँ नहीं हैं। You have only just arrived in town. Then what? तुम क्या अभी की अभी इस town में आई हो क्या? I got here yesterday. मैं यहाँ कल आई थी, around midday, तकरीबन दोपहर में। Oh, I became almost desperate. मैं तकरीबन मायूस ही हो गई। When I heard you were not here, जब मैंने सुना कि तुम यहाँ नहीं हो तो मैं मायूस हो गई थी। Desperate? Why? मायूस क्यों? Testman. My dear Mrs. Rising, Elstead,
मेरी प्यारी राय सिंह नहीं एल्स्टेड, मिसेस एल्स्टेड, उसको पुराना भी याद आता है नया भी याद आता है कि अब वो मिसेस एल्स्टेड है। हैडा देर इज नथिंग रॉन्ग आई होप, मेरे ख्याल में मिसेस एल्स्टेड तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ मेरा ख्याल है। यस देर इज, हाँ हाँ है, एंड आई डोंट नो एनी वन एल्स हेयर होम आई कैन टर्न टू, लेकिन मैं इस टाउन के इस हिस्से में किसी को नहीं जानती जिसके पास मैं जा सकती। पुट्स द फ्लावर्स डाउन ऑन द टेबल, टेबल पर फूल रख देती है हेडा। कम एंड सिट विद मी ऑन द सोफा, मेरे साथ आओ यहाँ सोफे पर बैठो। ओ आई फील टू रेस्टलेस टू सिट डाउन, मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रही हूँ, मैं बैठ नहीं सकती। यू मस्ट कम अलॉन्ग नाउ, लाजमी बैठो, इधर आओ यहाँ। शी पुल्स मिसेस एल्स्टेड डाउन ऑन द सोफा, नीचे की तरफ पड़े हुए सोफे की तरफ खींच लेती है एल्स्टेड को। एंड सिट्स बिसाइड हर, उसके साथ बैठ जाती है। टेजमैन वेल ठीक है, टेल अस मिसेस, बताओ हमें मिस हेडा, हैज समथिंग हैपेंड एट होम, क्या तुम्हारे घर में कोई गड़बड़ हुई है। मिसेस एल्स्टेड यस दैट इज यस एंड नो, ओ आई डू होप यू वुडेंट मिसअंडरस्टैंड मी। हाँ है, हाँ और नहीं, ओ मुझे उम्मीद है कि आप मुझे गलत समझने में गलत नहीं होंगे, आप मुझे गलत नहीं समझेंगे या मुझे समझ लेंगे आप। हैडा देन यू वुड बेटर टेल अस द होल स्टोरी मिसेस एल्स्टेड, एल्स्टेड फिर हमें सारी कहानी बताओ, ये बेहतर है। टेजमैन दैट्स व्हाई यू हैव कम, व्हाट तुम सारी कहानी बताने के लिए तो यहाँ आई हो और क्या। यस यस इट इज, वेल देन हाँ हाँ ऐसा है, ठीक है फिर। इन केस यू डोंट ऑलरेडी नो, अगर तुम नहीं जानते पहले से, आइलर्ड लोबोग इज इन टाउन, आइलर्ड लोबोग इसी टाउन में है, ये उसने न्यूज़ दी है। हेडा लोबोग हेयर, लोबोग यहाँ है। आइलर्ड बैक इन टाउन, आइलर्ड दोबारा टाउन में आ चुका है। फैंसी हेडा डिड यू हेयर दैट, सोचो तो हेडा क्या तुमने सुना है। यस ऑफ कोर्स आई हेयर्ड, हाँ यकीनन मैंने सुना है। मिस एल्स्टेड ही हैज बीन हेयर अ वीक, वो एक हफ्ते से यहाँ पर है। अ होल वीक पूरा हफ्ता, इन दिस सिटी इस शहर में अलाउन, वो अकेला है। विद ऑल दोज ड्रेडफुल पीपल, उसके इर्द गिर्द वही खौफनाक लोग हैं, उसे कहीं बुरे कामों में ना लगा दें। बड़ी मुश्किल से एल्स्टेड ने उसे शराब छुड़वाई है, उसको अच्छा राइडर बनाया है, और कहीं दोबारा इस टाउन में आकर वो शराब की लत में ना पड़ जाए। उसके इर्द गिर्द शराबी लोग हैं, ड्रेडफुल लोग हैं। हेडा बट माई डियर मिसेज एल्स्टेड वट कंसर्न इज ही ऑफ योर्स, लेकिन एल्स्टेड ये तो बताओ तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक। एल्स्टेड गिव्स हर अ फ्राइटेंड लुक, वो चेहरे के ऊपर खौफ के आसार नुमाया करती है। एंड सेज क्विकली, जल्दी से कहती है ही हैज़ बीन ट्यूटरिंग द चिल्ड्रन, वो बच्चों को वहाँ पढ़ाता था। हैडा योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता था। मिसेज एल्स्टेड माई हस्बैंड्स आई हैव नन, मेरे हस्बैंड के बच्चों को पढ़ाता, मेरे नहीं हैं। ओ यू मीन यूर स्टेप चिल्ड्रन, अच्छा तो तुम्हारा मतलब तुम्हारे मतराए बच्चे, स्टेप चिल्ड्रन। अब हैडा ने ऐसा ऐसा उस पर कंट्रोल हासिल कर लेना है, उससे बातें पूछ कर उसको सब ड्यू करना है, उसके सारे राज उठाने हैं। हैडा उसको इस मूड में है, और वो सिर्फ बेचारी यहाँ पर इसलिए आई है कि कहीं लोपोग अगर मिलने के लिए आता है हैडा से या टेजमैन से, तो वो उसको यहाँ पा ले और उसे वापस ले जाए और उसकी केयर करे। लेकिन यहाँ हैडा उससे इन्फॉर्मेशन सारी लेना शुरू हो गई है।
Yes, हाँ मेरे स्टेप चिल्ड्रन, टेस्मैन, ग्रोपिंगली हिचकिचाते हुए, बट वो वाज ही सफिशेंटली, लेकिन क्या वो काफ़ी हद तक वैसा है, यानी काफ़ी हद तक वो शराबी है? आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं कहूँ, पुट इट कैसे कहूँ, सफिशेंटली रेगुलर इन हिज हैबिट्स, क्या वो अपनी हैबिट्स में अभी भी काफ़ी हद तक मसरूफ़ है, यानी कि शराब पीता है अभी भी? टू बी सूटेड, जो कि सूट करती हैं टू सच अ पोस्ट, ऐसे ही पोस्ट वाले को, ऐसे ही ओहदे वाले को, ऐसे ही राइटर को, राइटर को सूट करती है कि वो शराब में धुत रहे, क्या वो शराब में धुत है कि नहीं है? क्या अभी भी वो शराब पीता है? वॉट, बताओ मिस एलस्टेड, फॉर द पास्ट 2 to 3 years ही हैज़ बीन लिविंग इरिप्रोचेबली, तकरीबन माजी के 2-3 सालों से वो जी रहा है, वो रह रहा है क्लेमलेस पर्सन, रह रहा है एज अ क्लेमलेस पर्सन, यानी कि उस पर कोई क्लेम नहीं है, उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो शरीफ आदमी बन के रह रहा है टेस्मैन। अब ये बात टेस्मैन को खटक रही है, और ये बात हैडा को बुरी लग रही है कि वो शराबी होता तो हैडा कहते ठीक है, तो उसकी कोई कमज़ोरी उसके पास है, अब वो कमज़ोर नहीं है, वो भरपूर है, मजबूत है, तो टेस्मैन के लिए तश्वीश है, हैडा के लिए तश्वीश है कि वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, शराबी नहीं रहा बल्कि एक अच्छा आदमी बन गया, और फिर जेलिसी उभरी कि इसको इस औरत ने अच्छा बनाया, ये धागे आगे जुड़ने जा रहे हैं। टेस्मैन, यू डोंट से, हैडा डू यू हेयर दैट, तुम ऐसा मत कहो, हैडा तुमने सुना? आई हेयर, मैंने सुना, एलस्टेड क्वाइट इरिप्रोचेबली, बिल्कुल ही वो क्लेमलेस पर्सन रहा, आई अश्योर यू, मुझे, मैं यकीन दिलाती हूँ, इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरह से वो अच्छा था, ऑल द सेम, बिल्कुल वैसा, इन दिस बिग सिटी, इस बड़े शहर में, विद मनी इन हिज पॉकेट्स, लेकिन वो वैसा अच्छा होकर आया है, लेकिन उसकी जेब में पैसा है, आई एम सो ड्रेडफुली फ्राइटेंड, समथिंग मे हैपन टू हिम, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, वो ज़्यादा पैसा देखकर, पैसे के ज़रिए फिर वो शराब में और बुराइयों में ना पड़ जाए, उसको बहुत केयर है, वो उसे मोहब्बत करती है, उसने उसे दोबारा रिस्टोर किया है, उसने उसे बनाया है, उसने उसके साथ मिलकर काम किया है, उसने उसे उकसाया है, उसको उसकी बड़ी फिक्र है, बट वाई डिडेंट ही स्टे अप देयर विद यू एंड यूर हस्बैंड, लेकिन वो तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे साथ वहीं जहाँ तुम रहते थे क्यों नहीं ठहरा? मिसेज एलस्टेड, वंस हिज बुक हैड कम आउट, एक बार उसकी किताब आ गई थी, ही बिकेम रेस्टलेस, फिर वो बहुत बेचैन हो गया, ओ यस आंटी जोजो सेड ही हैज ब्रॉट अ बुक आउट, अ न्यू बुक, आंटी जोजो ने मुझे बताया था कि उसने एक नई किताब निकाली है, हाँ 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 यस, अ बिग न्यू बुक, एक बड़ी नई किताब अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीबों की तारीख के बारे में, अ काइंड ऑफ जनरल सर्वे, एक किस्म का वो जनरल सर्वे था, बुक एक सर्वे पर मबनी थी, इट केम आउट अ फोर्ट नाइट अगो, तकरीबन 15 दिन पहले ये किताब पब्लिश हुई है, एवरी वन इज़ बीन बाइंग इट एंड रीडिंग इट, हर एक इस किताब को ख़रीद रहा है और पढ़ रहा है, इट्स क्रिएटेड अ ट्रेमेंडस स्टिर, इस किताब ने बहुत बड़ी हलचल मचा रखी है, स्टिर हलचल, ट्रेमेंडस बहुत बड़ी, हैज़ इट रियली वर्की, इट मस्ट बी समथिंग ही हैज़ डक अप, लाजमी कोई चीज़ उसने ज़मीन से निकाल ली है, उसने कोई चीज़ खोज, कोई चीज़ लाजमी अच्छी खोजी होगी, वर्दी खोजी होगी, लाजमी कोई अच्छी चीज़ वो निकाल कर लाया अपनी जहन की गहराइयों से। मिसेज एलस्टेड, यू मीन फ्रॉम द ओल्ड डेज, तुम्हारा मतलब है पुराने दिनों की कोई अच्छी खोज? यस, नो ही हैज़ रिटन इट ऑल सिंस ही केम टू लिव विद अस,
नहीं, उसने ये सारा काम उस वक्त किया जब वो हमारे साथ रह रहा था, मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ। पुराने दिनों की उसने नहीं लिखी, वो अब लिखी है। पुराने दिनों का मटेरियल नहीं, अब का मटेरियल है। वेल दैट्स स्प्लेंडेड न्यूज़ हैडा, फैंसी दैट, ये तो हैरान कुन खबर है हैडा, सोचो तो। ओ यस, इफ ओनली ही कैन गो ऑन लाइक दिस, हाँ अगर वो बिल्कुल ऐसे अच्छा बच्चा बन के रहे तो। ऐसे चलता रहे, ऐसे चलता रहेगा तो ही विल बी इन द कंट्रोल ऑफ मिसेज एल्स्टेड। अगर वो बुरा बच्चा बनेगा देन इट्स मीन ही विल बी इन कंट्रोल ऑफ हैडा गैबलर, क्योंकि हैडा गैबलर की मोहब्बत में शराब, हैडा गैबलर की वजह से शराब। बुरा आदमी, रोमांटिक, शराब में दुत, रैबल, फ्री विल, ये हैडा की डिजायर्स को पूरा करने वाला आदमी बनेगा। हैडा, हैव यू मेट हिम सिंस यू केम हेयर, जब से तुम इस टाउन में आई हो क्या तुम उससे मिली हो? नो, नॉट येट, नहीं मैं अभी नहीं मिली। आई हैड सच ड्रेडफुल डिफिकल्टी फाइंडिंग हिज एड्रेस, उसकी एड्रेस को तलाश करने में मुझे बहुत मुश्किल हुई, बट दिस मॉर्निंग आई मैनेज टू ट्रैक हिम डाउन एट लास्ट, आखिरकार मैंने उसका एड्रेस ढूंढ लिया इस सुबह। हैडा लुक्स सर्चिंगली एट हर, हैडा तलाश करती हुई निगाहों के साथ उसे देखती है। आई मस्ट से आई फाइंड इट अ लिटल स्ट्रेंज, मुझे कहना चाहिए कि मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा, दैट योर हस्बैंड कि तुम्हारा हस्बैंड वो क्या सोचेगा, वो क्यों नहीं आया। स्टार्ट्स नर्वसली, परेशान हो जाती है। माई हस्बैंड, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? दैट ही शुड सेंड यू ऑल द वे हियर, कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया ऑन एंड अराउंड, ताकि तुम आवारगी के लिए आवारगी करो, घूमो फिरो, ऑफ दिस काइंड, इस तरह की आवारगी करो, उस शख्स से मिलो, उसे सर्च करो। आई एम सरप्राइज्ड ही डिडंट कम हिमसेल्फ, मैं हैरान होती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड खुद क्यों नहीं आया, टू कीप एन आई ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त पर आंख रखने के लिए तुम क्यों आई हो? उसे पता नहीं है कि ये एल्स्टेड तो फैसला करके आई है कि ये घर वापस नहीं जाएगी, और ये उसी की दीवानी है, उसी के पीछे। ओ नो नो, माई हस्बैंड हैजंट द टाइम, मेरे हस्बैंड के पास वक्त नहीं। बिसाइड्स आई मज़ीद ये कि मैं वांटेड टू डू सम शॉपिंग हेयर, मैं यहाँ इस टाउन में कुछ शॉपिंग भी करना चाहती थी। मेरा स्लाइट स्माइल, मुस्कुराते हुए, हाँ वेल दैट्स डिफरेंट, ये तो बड़ी मुनफरद बात है कि तुम शॉपिंग करना चाहती थी। गेट्स अप क्विकली रेस्टलेसली, एकदम खड़ी हो जाती है, बेचैन हो जाती है, प्लीज़, और ये मिस्टर टेस्टमैन के सामने जाके खड़ी हो जाती है, हैडा को छोड़कर। मिस्टर टेस्टमैन आई बेग यू, मिस्टर टेस्टमैन मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, बी काइंड टू अलर्ट लवबुक, अलर्ट लवबुक के साथ मेहरबान रवैया अपनाना, इफ़ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आता है तो, आई एम श्योर ही विल, मुझे यकीन है वो यहाँ आएगा। आई मीन यू यूज टू बी सच गुड फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है यूज टू बी, तुम कभी थे अच्छे दोस्त, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, एंड यू आर बोथ स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट, और तुम्हारा सब्जेक्ट भी सेम था, एज़ फार एज़ आई कैन अंडरस्टैंड, जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ, तुम एक ही सब्जेक्ट पर लिखने वाले दो राइटर हो, यू आर इन द सेम फील्ड, तुम दोनों एक ही फील्ड में हो, आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो? वेल वी यूज टू बी एनी वे, हाँ हम आदि हैं, हम गुजारा करेंगे, हम ख्याल हैं किसी तरह से भी। यस सो आई बेग यू अर्नेस्टली, बस मैं पूरे इखलाक के साथ आपसे मांगती हूँ, डू प्लीज़ प्लीज़ कीप एन आई ऑन हिम, कि मेहरबानी करके उस पर आँख रखना, उसको तलाश करना, उसको देखना, उसको बुरा ना होने देना। ओ मिस्टर टेस्टमैन डू प्रामिस मी यू विल, मिस्टर टेस्टमैन मुझसे प्रामिस करो। वो उसके सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है भोली वाली, कितनी फिक्र है उसे जिस चीज़ को उसने निखारा है उसकी।
جس کو نکھارا ہے اس کی. آئی شیل بی اونلی ٹو ہیپی ٹو ڈو سو, میں بہت خوش ہوں گا ٹو ڈو سو, ایسا کر کے. مسز رائے سنگھ ایلسٹر رائے سنگھ, مسز رائے سنگھ میں ایسا کر کے بہت خوشی محسوس کروں گا. ہیڈا ایلسٹیڈ, یہ رائے سنگھ نہیں ایلسٹیڈ ہے.